तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं ये गुलहड़ हिबिस्कस दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, छोटा सा प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग देखिए, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है। और ये मैंने कटिंग से लगाया था, तो आप लोगों के साथ मैंने ये दिखाई भी थी। ये दिखाती हूँ, ये मैंने पिछले साल कटिंग से लगाया था। ये देखिए, ये दिख रहा होगा। और अभी कुछ ही टाइम हुआ है और इसमें फ्लावरिंग देखिए, पूरा भर भर के फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और देसी गुलहड़ में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दोस्तों फ्लावरिंग होती है। ये हमारे 7 साल भर बना रहता है, इसकी डार्क पत्तियाँ रहती हैं जो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जब इनका टाइम होता है तो ये फ्लावरिंग करने लग जाते हैं। इनका फ्लावरिंग का टाइम दोस्तों समर का टाइम है। और रंगों की बात करें तो दोस्तों गुलहड़ जो है बहुत ही कलर में आते हैं, लाल है। और ये पास में मैं दिखा रही हूँ, ये येलो है, ये हाइब्रिड वाला है। तो बहुत तेज धूप में रखा है तो इस टाइम फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं लेकिन फ्लावरिंग तेज़ धूप की वजह से नहीं हो पा रही हैं। इसे छाया में रखूँगी तब फ्लावरिंग होगी। और मेरे पास ऑरेंज कलर भी है, ऑरेंज कलर के दोस्तों मेरे पास 2 प्लांट हैं। और ये रेड वाले गुलहड़ के भी 2 प्लांट हैं। ये देखिए, और कलियाँ देखिए इसमें, क्योंकि इनका इस टाइम फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है, समर का टाइम, जितनी ज़्यादा गर्मी। और इसे फुल सनलाइट में रखिए, बहुत ज़्यादा कलियाँ आएंगी और फिर ये भर भर के फूल देते ही रहते हैं। इसमें वाइट कलर भी आता है, पीला आता है, ऑरेंज आता है, पिंक आता है, बहुत सारे दोस्तों कलर आते हैं। बस इसके मेंटेन करने के, फ्लावरिंग की बात करें तो इसे मेंटेन करने पे डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे हम इसे खाद फर्टिलाइज़र देंगे उसी हिसाब से फ्लावरिंग उसमें ज़्यादा होती है, उसी पे ये निर्भर करता है। इसकी हाइट दोस्तों, अगर हम छोटा रखना चाहते हैं तो हमें, ये देखिए 10 इंची के गमले में मैंने लगाया हुआ है इसे। बहुत बड़ा पॉट नहीं है, 10 इंची का गमला है और उसमें ही आपको डेली 10-15 फ्लावर मिल जाते हैं। अगर आपको हाइट बहुत चाहिए तो आप इसे ग्राउंड में लगाइए। इसकी हाइट जो है दोस्तों 15 फीट तक चली जाती है बहुत ही। और इसकी अगर आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो इसका बहुत अच्छा शेप निकल के आता है। साल में एक बार प्रूनिंग करते रहिए तो इसका जो शेप, आप जो भी ढालना चाहें, आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसे कहाँ लगाएं। अगर आप इसे छोटा रखना चाहते हैं तो गमले में लगा सकते हैं, और इसकी हैज बनाना चाहते हैं तो आप इसे ग्राउंड में लगाइए। आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। और दोस्तों मौसम की बात करें तो इसे गर्म मौसम बहुत ही पसंद है दोस्तों। सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, फरवरी से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आप इसमें फिर इसमें फ्लावर बस गर्मियों में तो इसमें फ्लावर दिखते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और इसे जैसे गर्म मौसम स्टार्ट होता है, इसे बस एक अच्छा सा खाना दे दीजिए आप, बहुत अच्छा सा फर्टिलाइज़र दीजिए, फर्टिलाइज कर दीजिए, फिर देखिए ये कैसे अपना, मतलब कह सकते हैं कि ये अपना रूप दिखाता है। इतनी फ्लावर आते, इतनी कलियाँ आती हैं, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। छोटा सा भी प्लांट होगा पर आपको डेली फूल देगा। आप इसे लिक्विड मैनिक्योर भी दे सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए मेरा छोटा ही सा प्लांट है, पूरा फूलों से भरा हुआ है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिए। और दोस्तों अगर इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो इसको वही 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग इसमें जो पत्तियों की खाद होती है, एक तो हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट जो हम तैयार करते हैं वो डालेंगे, और 1 भाग जो हम पत्तियों की खाद से बनाते हैं, पत्तियों से खाद बनाते हैं, एक वो हो गया, और 1 भाग सैंड का चाहिए। ये 4 भाग, और इसमें साथ में आप चाहो तो थोड़ा सा बोन मिल भी मिला सकते हो, और थोड़ी सी 1 मुट्ठी आपको नीम खली मिलानी होगी, तो इससे बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। मैं अपने और भी जो मेरे प्लांट हैं 2-3, उसके साथ में मैं दिखाती हूँ, वो भी दिखाऊँगी मैं आप लोगों को, तो इससे बहुत ही अच्छा ये चलता रहता है दोस्तों। सनलाइट की बात करते हैं तो दोस्तों इसे फुल सनलाइट पसंद है, आप फुल धूप में रखिए इसे, फिर देखिए इसका कमाल। अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो इसमें पत्तियाँ ही पत्तियाँ आएंगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर आप धूप में रख देंगे तो इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है दोस्तों। और
अब हम वाटरिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो वाटरिंग इसे उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्लांट रखा कहाँ है। अगर फुल सनलाइट में रखा है, धूप में रखा है, टेरेस पे रखा है, तो आपको इसे डेली पानी देना होगा दोस्तों। अगर सेमी शेड में रखा है तो आपकी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि जब मिट्टी सूख जाती है तब हम इसमें पानी वाटरिंग देंगे, और जब वाटरिंग देंगे तो हम गर्मियों में इसे नहला भी देंगे डेली। तो इससे मैंने देखा है कि कलियाँ भी बहुत ज़्यादा रहती हैं और पौधा जो है बहुत ही खुश रहता है। जब भी आप पानी डालें तो थोड़ा सा फूल को अगर हम बचा लेंगे, फूल पे नहीं डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की, इसकी कटाई छटाई की। तो दोस्तों विंटर का टाइम इसका डोरमेंसी का टाइम होता है, और उसके बाद फरवरी और मार्च दोस्तों जब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होता है तभी हम इसकी अच्छे से प्रूनिंग कर देंगे, हार्ड प्रूमिंग कर सकते हैं, और इसमें अच्छे से खाद डाल देंगे। प्रूमिंग करने के बाद बहुत अच्छे से आप फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल। तो फिर नई नई इसके ग्रोइंग टाइम होता है, तो इसमें नई नई पत्तियां, नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। साल में एक बार तो हार्ड प्रूमिंग करनी चाहिए, इससे जो नई ब्रांचेस होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। और जब इसका सीजन हो प्रूमिंग आप तभी कीजिए, वैसे अदरवाइज नहीं। और समर का टाइम इसका ग्रोइंग टाइम होता है, और हमें गुलहड़ पर काम करने की ज़रूरत होती है, तो मतलब जब इसका सीजन होता है तभी हम इसका काम करेंगे। पर ये डिपेंड करता है, अगर आप करेक्ट टाइम पे इस पर खाद पानी और प्रूमिंग करते हैं तो रिजल्ट भी अच्छा रहता है दोस्तों। फरवरी और मार्च के बाद हम इसके हार्ड प्रूमिंग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि फिर हमें इसके फ्लावर चाहिए। और इसके बाद हम इसकी सॉफ्ट प्रूमिंग कर सकते हैं, जैसे ये वाली ब्रांच है आप लोग देख रहे हैं, ये अलग जा रही है, तो मैं इसकी ये यहाँ से ये देख रहे हैं ये फ्लावर है, ये मोटी सी टहनी आई हुई है, तो हम इसके यहाँ से सॉफ्ट प्रूमिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा प्लांट ही हम कट कर देंगे, ऐसा नहीं है, पूरा प्लांट हमें नहीं कट करना है, बस इसके सॉफ्ट प्रूमिंग करनी है। तो जो ब्रांचेज इधर उधर निकली हैं बस हमें उन्हीं को हटाना है, ज़्यादा ब्रांचेज को नहीं। और दोस्तों इस हिबिकस प्लांट का बहुत ज़रूरी काम है पेस्ट अटैक, इस पे पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये हमें बहुत ज़रूरी काम है कि महीने में एक बार हम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें दोस्तों। इस पे पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम इसे अच्छी सी खाद देते रहेंगे और प्लांट हमारा हेल्थी रहेगा तो पेस्ट का अटैक थोड़ा कम होता है। इसमें जो है टाइम टू टाइम हमें महीने में एक बार जो है नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है, तो इससे जो है पेस्ट का अटैक थोड़ा कम। इसमें मिली बर्ड और भी तीन चार जो अटैक हैं, तो जब हम कटिंग लगाएंगे तो आपको 6 से 7 इंच की कटिंग लेनी है, यहाँ से इतनी बड़ी कटिंग कट करनी है, यहाँ से यहाँ तक बस। और आपको क्या करना है, इस कटिंग को लेके ये सारी पत्तियों को हटा देना है। सारी पत्तियों को हटा के आप रूट हार्मोन्स या फिर दालचीनी या फिर शहद लगा के बस सिंपल कोकोपीट में आप लगा दीजिए, और बस 2-3 दिन में पानी डालते रहिए, आपकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी। दोस्तों तो फिर हमने बात की है हिबिकस को लगाते कैसे हैं, इसकी मिट्टी के बारे में, इसके वाटरिंग के बारे में, इसके धूप कैसे मिलनी चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, और इसके प्रूमिंग कैसे करें दोस्तों, इसका पेस्ट का अटैक हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या स्प्रे करते रहना चाहिए। इस पे पेस्ट का अटैक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मिली बग जो है बहुत ज़्यादा इस पे लग जाती है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान देना पड़ता है, या फिर जब आप पानी डालते हैं तो इस पे बराबर वॉश करते रहिए, इसको बराबर डेली नहलाते रहेंगे तो फिर इस पे फिर मिली बग का अटैक नहीं होता, और भी 2-3 कीड़े लग जाते हैं, जाली जैसी लग जाती है तो फिर इसकी कलियाँ गिरने लग जाती हैं। और इसके प्रोपेगेशन के बारे में, ये जो मैं प्लांट्स दिखा रही हूँ ये सारे मेरे प्लांट्स कटिंग के हैं, और इसी साल मैंने ये सारे लगाए थे और इसमें फ्लावरिंग भी होने लग गई। मेरे पास 4 या 5 प्लांट हैं
दो रेड वाले हैं, दो ऑरेंज हैं और एक येलो है। और तो दोस्तों इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके हिबिस्कस के फ़ायदे के बारे में बात करते हैं तो इसकी हर्बल टी बनती है और आयुर्वेद में तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और इसके जो फूल होते हैं उसे पीस के बालों में लगाते हैं बाल काले करने के लिए। इसमें हर्बल में तो बहुत ही ज़्यादा इसके यूज़ किया जाता है। ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में नॉलेज तो नहीं है, बस यही थोड़ा बहुत कुछ पता है। तो फिर आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और मैं अपने ये दो तीन प्लांट ये अपने दिखा देती हूँ। ये देखिए कटिंग से मैंने लगाया था, इसमें दो विंटर में मैंने और भी फ्लावर लगा दिए थे, वो मैंने अब सारे हटा दिए हैं। तो सारी एनर्जी अब इसी को एक ही प्लांट को मिल रही है, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय दोस्तों।